नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। हमारे खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं योगी चुस्त अधिकारी सुस्त। जन कल्याण के लिए योजनाएं और परियोजनाएं बनाई जाती हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके, पर हकीकत यह है कि लाखों करोड़ रुपए की योजना बना तो दी जाती है लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतरती। और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से निपटने के लिए इसी तरीके की परियोजनाएं बनाई गई और उसे अमली जामा पहनाने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई, लेकिन वो भी सिस्टम की लापरवाही से दम तोड़ती नजर आ रही है। वहीं बाढ़ से बचाव के लिए सीएम योगी ने जिम्मेदार अधिकारियों अफसरों को साफ निर्देश दिया था कि 30 जून तक हर हाल में परियोजनाओं को पूरा करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गोरखपुर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए सीएम योगी के गृह जनपद में निर्देशों का कितना पालन किया गया और परियोजनाओं की क्या है जमीनी हकीकत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बारिश खत्म होने को है और बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में है, बावजूद इसके ये योजनाएं अभी तक अधूरी हैं। तो आखिर ऐसे अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? अगर हम बस्ती जिले की बात करें तो करीब 100 करोड़ की परियोजनाएं हैं। वहीं दूसरा नंबर आता है पीलीभीत जिले का। बाराबंकी जिला हो, सीतापुर हो या फिर लखीमपुर खीरी, इन जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई विभाग की बाढ़ से जुड़ी हुई परियोजनाएं चल रही है, जिसमें तटबंध बनाने, एस्पर बनाने, उसके अलावा बहुत सारे बाढ़ सुरक्षा के इंतजाम किए जाने के लिए ये पैसा दिया जाता है। लेकिन वजह बिल्कुल साफ है कि अफसरों की हीला हवाली, लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है कि अभी तक ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकी। कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जल जमाव की, हर एक स्तर पर उसकी जवाबदेही तय करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें जल जमाव से भी मुक्त रखना है और बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं, कल 30 जून है, 30 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएं। सीएम योगी का ये वही बयान है जिसमें उन्होंने बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए अफसरों को निर्देश दिया था, लेकिन धरातल पर क्या है उसकी पड़ताल करते हैं। ये तस्वीरें सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर के राप्ती नदी पर बने मलवली बांध की है। बांध पर जगह जगह बने गड्ढे और बारिश हुई कटान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह बांध का रखरखाव है और विभाग ने बाढ़ से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की है। बांध पर जगह जगह गड्ढे बाढ़ से तैयारी में लगे अफसरों के नाकारापन की गवाही दे रहे हैं। बांध निर्माण के कार्य में लगे कर्मचारी का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। थोड़ा सा काम और बाकी है, बाढ़ के बाद होगा, देखिए होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। नहीं, वो आखिरकार अधिकारी क्या कह रहे हैं? अरे वो मतलब अगले साल करवाने के लिए मशीन अब वहीं खड़ी है। मशीन खड़ी है? हाँ। आप लोग कितने दिनों तक काम किए? हम लोग कम से कम 1 से 1.5 महीना तक हम लोग किए थे, उसके बाद मशीन दूसरी आई वहाँ पे कर रही है। सुना आपने, बाढ़ के मरम्मत का काम तो हुआ है लेकिन अधूरा, और अब काम जो होगा वो अगले साल होगा। यानी बाढ़ अगर इलाके में आई तो यहाँ जनता राम भरोसे है, क्योंकि इस साल बांध के मरम्मत का रहा सहा काम होने से रहा। भले ही बांध के मरम्मत के कार्य में लगे मजदूर का कहना है कि बांध के मरम्मत का काम कुछ हुआ है, लेकिन इससे उलट बांध के किनारे बसे लोगों का दावा कुछ अलग ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध के मरम्मत का काम हुआ ही नहीं। खाना पूर्ति ठेकेदार और कर्मचारियों द्वारा कराया जाए, जगह जगह कटान अभी वर्तमान में पड़े हुए हैं, मौका आप देख सकते हैं। परिस्थिति तो बदल जाती, बाढ़ आई होती, बाकी नहीं बाढ़ आई तो इसीलिए सरकार की छवि बनी हुई है, अधिकारियों की छवि बनी हुई है। बंधे पर जो पीच हुआ है वह गुणवत्ता वाला काम हुआ है, लेकिन मिट्टी उट्टी जो पड़ी है वो सब बह गई है। हाँ, इधर उधर खाली है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ हजारों एकड़ जमीन है जो एक गंदा पानी जो इधर से जा रहा है, लोग वो जोत नहीं पा रहे हैं। धरातल पर तो कुछ वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, खाना पूर्ति बस हो रही है। गवर्नमेंट पैसा वहाँ से भेजती है,
कहाँ खर्च होता है कुछ समझ में ही नहीं आता है। सारे रेन कट कटे हुए हैं कई जगह जगह जगह, यहाँ से लेके आप डांगी पार तक चले जाइए कम से कम 20 जगह गड्ढे हैं। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि काम पूरा हो गया है। काम पूरा हो गया है तो गड्ढे आखिर कहाँ से हो गए? गड्ढे एक दिन में तो बने नहीं। रिपेयरिंग हुई है लेकिन ठीक से नहीं हुई है। सही नहीं हो रहा है। जहाँ भी कई जगह जो है मनकट हो गए हैं, कटान हो गई चुकी है, बंदे अधिकारी कह रहे हैं काम पूरा हो गया है। अरे देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, प्रमाण है आगे देख लीजिए कि कई जगह कटान कटे हुए हैं और रिपेयरिंग हुई, वही हल्का फुल्का हुई, जो वहाँ कटान है वह भरपूर नहीं हो पाए पाई। वहीं स्थानीय लोग सरकार की कार्यप्रणाली को सही बताते हैं और कहते हैं कि सरकार तो पैसा भेजती है लेकिन अधिकारी काम करते नहीं और न ही किसी की सुनते हैं। सिस्टम से जनता भी परेशान है। कहाँ यहाँ काम भाई, अब खानवा देखा ऊपर सब माटी है, ऊपर सब बिछा गए। हाँ अधिकारी कह रहे हैं काम पूरा हो गया है। कहाँ यहाँ पूरा भइल बाबन काम, कुछ नहीं लौका तो देख रहे हैं, आधा बंदा कट गया बरसात में। अभी बरसात भी नहीं ज़्यादा हुआ तभी आधा बंदा कट गया सामने, इधर बाढ़ नहीं आया, अगर बाढ़ आता तो कितना नुकसान होता है। इस 2022 में नहीं तो कोई काम नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं सामने गड्ढा है, बंधा कटा हुआ है और इसे देखते जाइए, ये पूरे बंधे पर, पूरे रिंग बंधे पर, ये कहीं भी कोई कटान पर कोई काम नहीं हुआ है, जबकि बारिश नहीं हुआ है फिर भी बंधा कटा हुआ है। गनीमत है कि राप्ती नदी ने इस साल अब तक अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है, वरना हजारों लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे होते। बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थापित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और वहां के लोगों का कहना है कि बाढ़ को लेकर अलर्ट है, बाढ़ आते ही वो ऊंची जगह पर शरण ले लेते हैं। उनकी ये समस्या हर साल की है और इस पर कोई गौर भी नहीं करता। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा तो हम लोग अलर्ट में है, यदि बाढ़ आई तो कहीं हम लोग जहाँ ऊँचे स्थान होगा वहाँ प्रस्थान कर लेंगे। चल तो बाढ़ अभी तक नहीं आई है लेकिन बाढ़ आने पर तो दिक्कत होती ही है, तो बाढ़ आने के बाद जो है मान ली विद्यालय तो बाढ़ में पानी में डूब ही जाता है, हर साल ऐसी ही स्थिति रही है। तो बंधे के किनारे हम लोग मंदिर पर या किनारे जो है किसी तरह काम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि बांध की रिपेयर के लिए फंड की कमी है, योगी सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बांधों की रिपेयर के लिए पैसे पहले ही भेज चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सरकार के तमाम कोशिशों को पलीता लगाते दिख रहे हैं। बंधे की हालत सर बदतर खराब है, जगह जगह बहुत भयंकर कटान हुए हैं, अभी तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं शुरू किया गया है। यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं बहुत लापरवाह हैं, कोई काम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करते, पैसा लेकर के बैठे हुए कोई काम नहीं करते हैं। सब जनता कहती है, कोई जनता की बातें नहीं सुन रहे हैं, सब उनको नहीं दिखाई दे रहा कि जगह जगह बंधा कटा, बरसात हो रही है। तो नदियों के तटबंधों के संवेदनशील जगहों पर कटान रोधी उपाय करने के लिए मंजूर 31 परियोजनाओं में से अब तक आधी भी पूरी नहीं हो सकी हैं, जबकि इसके लिए 30 जून तक का समय तय था और अब सितंबर आ गया। बड़ा सवाल, आखिर ऐसे अफसरों पर कार्रवाई कब होगी जो तबादला सेशन में भी बाहर नहीं गए, मतलब उनका स्थानांतरण नहीं हुआ इसलिए कि वो इन योजनाओं को पूरा कर दें, लेकिन बावजूद इसके योजनाएं अधूरी हैं तो दोषियों पर कार्रवाई कब? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि अफसर चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करेगा तो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई होगी। शासन का स्पष्ट निर्देश था कि बाढ़ से बचाव की जो भी परियोजनाएं हैं उसे तय समय में पूरा करना है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने सीएम योगी के निर्देशों को ठेंगा दिखा दिया। जब सीएम के ही निर्देशों की अनदेखी होगी तो आखिर किसके निर्देशों का पालन होगा? अगर ये हाल सीएम योगी के क्षेत्र का है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में अफसर किस तरह की मनमानी करते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए गोरखपुर में खर्च किया सिर्फ बंधे बोल्डर पिचिंग के लिए, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे यही बंधा है जिस पर बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है, और बाढ़ की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में ही करोड़ों रुपए गोरखपुर के प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया ताकि बंधा सुदृढ़ किया जाए, बोल्डर पिचिंग किया जाए, आम जनता को किसी भी प्रकार की बाढ़ के समय में दिक्कत ना हो। बाढ़ का समय भी धीरे धीरे निकल रहा है लेकिन अभी तक
कार्य पूरे नहीं हो सके हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे करोड़ों रुपए गए कहाँ, या किसी को आम जनमानस को पता ही नहीं। ऐसे में इन पर हंटर कौन चलाएगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कौन सस्पेंड करेगा, यह तो समझ के परे है। हरेंद्र दुबे, न्यूज ऑन इंडिया, गोरखपुर। वही गोरखपुर मंडल के तहत आने वाला कुशीनगर जिले का भी आपको बता दें कि यही हाल है। सीधे तौर पर देखा जाए तो वहां भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आती, देखिए ये रिपोर्ट। कुशीनगर में गंडक नदी उफान पर है और इस उफान से लोग डरे समय हैं। वहीं बाढ़ से बचाव के नाम पर तैयारियां सिफर हैं। जिले के खड्डा और तमकुहिरा तहसील में 9 परियोजनाओं को जून 2022 तक पूरा करना था, लेकिन विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज भी कई परियोजनाओं का काम पूरा नहीं हुआ है। विभाग की लापरवाही के चलते बड़ी गंडक नदी के किनारे बसे महादेवा, मरिचवा, शाहपुर, बीरभार, बरवापट्टी, अमवा, लक्ष्मीपुर, पिपरा घाट, अहिरौली दान आदि गांवों के लोगों के अंदर बाढ़ के आने का डर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि विभाग ने अब तक बाढ़ बचाव के लिए समुचित उपाय नहीं किए हैं। जो काम हुआ है वो हुआ है, इसके बाद से कोई व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ तो अभी खतरा बना हुआ है सर, अभी कोई व्यवस्था नहीं है इसके बाद से। माने बोल्डर बनाएल बा, बोल्डर में नखे तो नखे काटा तो अगल बगल काटा था, ये बोरा बोरी एको है नहीं खे, ये डलाई नदी के कैसी थी, बाढ़ पानी आवता कब हट जाता, पानी चढ़ाता तो दो चार छह गिरता, नहीं रो तो नहीं गिर। गंडक नदी कई जगहों पर बैकरोलिंग कर कटान कर रही है और नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। बांध के किनारे बसे लोगों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बारिश का मौसम चल रहा है और इसको लेके कुशीनगर के बाढ़ खंड विभाग के लोग कितना सजग हैं, यह हमारे पीछे ही आप देख के सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नदी है यहाँ पे बैकरोलिंग करके और कटान कर रही है। हालांकि बंधे के किनारे बसे हुए लोगों के दिमाग में अभी भी नदी के बाढ़ से और उनका घर कटने का कहीं ना कहीं दहशत बना हुआ है। हालांकि कुशीनगर जनपद के बाढ़ खंड विभाग के लोगों का यह दावा है कि कुशीनगर में लगभग 9 जगहों पे परियोजनाएं उनकी चल रही है, जिसमें खड्डा तहसील के 3 जगहों पे और तमकुई राज तहसील के 6 जगहों पे 9 परियोजनाओं की चलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन मेरे पीछे आप देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने नदी के पानी के बाढ़ के वजह से लोगों को बचाने और बंधे को बचाने के लिए सख्त निर्देश संबंधित विभाग को दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का बाढ़ खंड के जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं और साथ ही ना ही बोल्डर की व्यवस्था की गई है और ना ही यहाँ पे बोरियों की व्यवस्था की गई है, जिससे बंधे को और यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। सवाल ये है कि बाढ़ से निपटने की तैयारी तय समय से क्यों नहीं की गई? सीएम योगी के निर्देश के बाद भी क्यों कान में तेल डालकर जिम्मेदार सोते रहे? क्या अफसरों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? अगर होता तो तय समय पर काम क्यों नहीं पूरा हुआ? कई ऐसे सवाल हैं जो जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए कुशीनगर से डीके यादव के साथ ईश्वरचंद पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस खास कार्यक्रम में हम लगातार और भी जगह की बात करेंगे और वहां भी दिखाएंगे कि परियोजनाओं की क्या कुछ धरातल पर स्थिति नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। पंजाब में चुनाव से पहले जब हम लोगों के बीच जाते थे तो लोग हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते थे कि क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मॉडल सेहत क्रांति मोहल्ला क्लिनिक के रूप में जो आई है, क्या वो पंजाब में आ सकती है? तो हम उनको गारंटी देते थे, उनके साथ वादा करते थे कि बिल्कुल आप आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाइए, अरविंद केजरीवाल मॉडल सेहत क्रांति मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक के रूप में पंजाब में जरूर आएगी। और मुझे बताते हुए
खुशी हो रही है, 15 अगस्त को हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक वो पंजाब को समर्पित किए। इन आम आदमी क्लिनिक्स में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट फ्री हैं, तो लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि उनके घर के आसपास उनकी बीमारियों का इलाज होने लगा है और दवाइयां फ्री हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार ऐसे ही हजारों मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल बनाएगी ताकि अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई वाली सेहत क्रांति पंजाब में हम लोगों तक पहुंचा सके। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे से खास पेशकश में, योगी चुस्त अधिकारी सुस्त। सीएम योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र से सटे जिले कुशीनगर में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को भी हमने आपको दिखाया। अब आपको लखीमपुर खीरी ले चलते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री योगी के बाढ़ से निपटने के दिए गए अल्टीमेटम का यहां पर पालन हुआ है या नहीं। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें यूपी के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया की तराई बेल्ट की है। मोहना नदी कटान जैसी भीषण तबाही मचाते हुए सैकड़ों एकड़ जमीन और घर लीलती आ रही है। लखीमपुर खीरी में इस बार फ्लड डिवीजन को 10 बाढ़ और कटान की रोकथाम के लिए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 8752.28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसमें मोहना नदी के किनारे गांव रामनगर को बचाने के लिए 1115.5 लाख रुपए की लागत से परियोजना बनाई जानी थी। इस परियोजना में 6 सीसी ब्लॉक स्टड और स्लिप पिचिंग का कार्य बाढ़ आने से पहले 30 जून तक पूरा होना था, लेकिन विभाग और ठेकेदारों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते ये कार्य पूरा नहीं हो सका। न्यूज वन इंडिया संवाददाता अवध किशोर जायसवाल ने इलाके का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से हकीकत जानने की कोशिश की। बाढ़ पीड़ितों के साथ किस तरह ठेकेदारों और बाढ़ खंड के अधिकारियों द्वारा उनके घावों पर नमक छिड़का गया है, इसका हकीकत जानते जानते इस समय हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की मोहना नदी पर। यहाँ हमारे साथ तमाम ग्रामीण हैं जो ये परियोजना बनाई गई थी उनके जमीन और उनके घर को बचाने के लिए, उस जमीन जो परियोजना है उसकी हकीकत जानने के लिए आज हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इस परियोजना में क्या हुआ और किस तरीके से परियोजना पूर्ण हुई या नहीं पूर्ण हुई, जो परियोजना का हाल है किस तरीके से। ये परियोजना बनाई गई थी किस लिए बनाई गई थी? ये रोकने के लिए बनाई गई थी, बाढ़ रोकने के लिए बनाई गई थी। क्या परियोजना बन के तैयार हो गई? नहीं तैयार हुई। नहीं तैयार हुई नहीं। क्या हाल है इसमें? इसमें मट्टी भरी गई सब, कुछ नहीं है काम का, कोई काम का नहीं, कोई चीज काम के नहीं है। ये तो 1115 लाख रुपए की परियोजना। अब हमको तो ये नहीं पता था भाई 11 लाख का कितना, 15 लाख 20 लाख ये हमको नहीं पता था, मतलब इन्हें लेके इतना काम 20 लाख का भी नहीं है, 5 लाख का भी नहीं है इस टाइम। 5 लाख 1115 लाख रुपए की परियोजना, ये 5 लाख का भी नहीं काम। अच्छा ये क्या बना हुआ है, ये क्या सब? ये खाली ऐसे हम तो देख रहे हैं, खाली खंभे ऐसे खड़े कर दिए हैं, खाली खंभे खड़े कर दिए और कुछ नहीं योजना इसमें। इसमें कोई यानी कोई मतलब जो, तो इससे तो आप लोगों को जब बाढ़ आएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पहले पहुँच जाएगा पानी, पहले पहुंच जाएगा, घर मकान सब कट जाएंगे ना? कट जाएंगे, गन्ने कट जाते हैं हमारे, गन्ने कट जाते हैं। हाँ जी दादा, ये जो परियोजना बनी है, ये जो परियोजना ये बनाई गई है बाढ़ के लिए, इससे कोई लाभ हुआ आपको? लाभ इसमें साहब क्या हुआ, लाभ तो इसमें कुछ नहीं है, रोकथाम तो इसमें है कोई नहीं, कोई रोकथाम नहीं, कोई रोकथाम नहीं है। पानी आता है घरों में घुस जाता है। तो ये परियोजना 1115 लाख रुपए की होगी तो इतनी कहाँ होगी? ये सब कौंसला तो सब खड़ा कर रखा है, आप लोग देख रहे हैं जी, लकड़ी घुसाई रखी और छापे काट काट के ना यहाँ पड़ोस में से जी तो लगा दिए गए, वो साले बह के चले जाते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी चले जाती है इसमें, लट्ठे चले जाते हैं, तो ये क्या छापे लकड़ी क्या थी, तो सब चले गए और थोड़ा थोड़ा उसमें वो जुगाड़ बना रखा है, कोई इसमें रोकथाम तो है नहीं। क्या हुआ इस परियोजना में, क्या खेल हुए? ये तो सब बेकार करके चले गए हैं और क्या करना है। अच्छा तो यहाँ कोई सिंचाई विभाग का अधिकारी आता था? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता था, ठेकेदार ही काम करवाते थे। खाली ठेकेदार वो छपरों में लेट के पड़े रहते पखे के नीचे, लेबर काम कर रही है, उनके छोटे मोटे आदमी भेज दे जाओ देखो क्या हो रहा है। ये तो सब टूट गया दादा, ये तो सब टूट गया है ना, टूट के गिरे पड़े। कितने दिन बने हुए हैं ये? कितने महीने इनको, चल एक महीना हो गया होगा जी, एक महीना होया होगा, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं हो, सब ये टूट गई है ना, सब टूट के। इसमें क्या भरा जाना था, पत्थर भरा जाना चाहिए था? पत्थर अब भरते चाहे कुछ भी भरते, पानी रुकता ना इसका।
और इसमें देखो लकड़िया गुलाबा सी है, ये तो सारी सड़ गई, सड़ गई लकड़ी, सड़ गई लकड़ी लगा दी गई, हाँ सड़ गई है। क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से ही हम मांग कर रहे, हमारा ये पक्का काम होना चाहिए। बाढ़ से बचाव के लिए काम कुछ नहीं हुआ, वहीं विभाग के अधिकारियों ने शासन को गुमराह करने के लिए 10 परियोजनाएं पूरा करने के पत्र भेज दिए, जबकि हकीकत ये है कि मौजूदा समय में 10% भी काम पूरा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम हुआ भी था वो नदी में बह गया। वही जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया वो बेहद घटिया था, जो टूट कर बिखर चुका है। दूसरी ओर स्लो पिचिंग के काम में जगह जगह पर गैपिंग छोड़ दी गई। अगर लखीमपुर खीरी में बाढ़ से बचाव के लिए किए गए काम की जांच कराई जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। सरकार बाढ़ से बचाव के लिए एक्टिव है, वही सिस्टम में बैठे जिम्मेदार सरकार की तमाम कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। सवाल उठता है कि पैसे मिलने के बाद भी काम तय समय पर क्यों नहीं किया गया? गनीमत है कि बाढ़ का प्रकोप नहीं है। अगर बाढ़ का प्रकोप होता लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होता? आखिर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी सरकार के तमाम प्रयासों को पलीता लगाने में क्यों जुटे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। यूपी के तराई इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने इस बार करोड़ों का बजट जारी कर दर्जनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य साफ था कि यूपी के जो तराई के इलाके हैं वहाँ पर ग्रामीण बस्ती को इस बाढ़ और कटान से मुक्त दिलाने का, लेकिन यह उद्देश्य सरकार का अधूरा दिखाई पड़ रहा है। कारण साफ है कि सिंचाई विभाग के लापरवाह अफसरों की लापरवाही के चलते इसमें की दर्जनों परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। लखीमपुर खीरी में भी कुल 10 परियोजनाएं बननी थी, जिसमें से जो रन नगर की परियोजना है और इंद्रनगर के समीप SSB कार्यालय के समीप जो परियोजना बननी थी वह भी परियोजना अभी तक नहीं बनी है। जब हमने उनसे जो सरकार की ये परियोजनाएं थी उनको पूर्ण होने का ना पूर्ण होने पर कारण जानने की कोशिश की तो वह हमारे कैमरे से बचते आए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार सिंचाई विभाग के अफसर किस तरीके से मनमानी पर उतरे हुए हैं। जो सरकार की जो परियोजनाएं हैं वो तो नहीं पूरी हुई, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो वह कंडी काट जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि न्यूज़ वन इंडिया द्वारा यह खबर प्रमुखता से चलाए जाने के बाद सरकार किस तरीके से इन लापरवाह अधिकारियों पर चाबुक चलाती है। एक जायसवाल, न्यूज़ वन इंडिया, लखीमपुर खीरी। वहीं गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, और घाघरा नदी के रुख को देखकर लोग भी काफी सहमे हुए हैं। बाढ़ से निपटने की गोंडा में कैसी तैयारियां हैं ये इसके लिए ले चलते हैं हम आपको उसी जगह पर। तस्वीरें गोंडा की है जहां सरयू नदी ने एक बार फिर आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। बढ़ते जलस्तर से बांध के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि गोंडा में बांध टूटने से हर साल बाढ़ आती है। बांध के मरम्मत में अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि जितनी बांध बनाने की लागत नहीं आई उससे भी कहीं ज्यादा उसके मरम्मत में खर्च हो चुके हैं। सिंचाई विभाग का दावा है कि बाढ़ से निपटने के लिए जो 5 परियोजनाएं थी वो पूरी हो चुकी है और ऑल इज वेल है। देखिए, एल्गिन बीट चरसई तटबंध पर कुल 2 परियोजनाएं साल सैंक्शन थी और दोनों परियोजनाएं पूरा हो गया है, और सकरवर भिखारीपुर तटबंध पर 3 परियोजनाएं सैंक्शन थी, वो तीनों परियोजनाएं भी पूरा हो गया है। आज के डेट में कोई भी परियोजनाएं एल्गिन बीट चरसई तटबंध और सकरवर भिखारीपुर बांध पर अधूरी नहीं है। 5 परियोजनाएं सैंक्शन थी, 5ों परियोजनाएं पूरी हो गई। भले ही विभाग बाढ़ से निपटने के लिए परियोजनाओं के पूरे होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि गोंडा में भी परियोजनाएं अधूरी हैं और विभाग सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गोंडा से कादिर अंसारी के साथ ईश्वर चंद्र पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस खास कार्यक्रम के अंत में अब नजर डालते हैं कि सिंचाई और बाढ़ परियोजनाएं कहां कहां अधर में हैं और कौन कौन अधिकारी उस खास प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कहां कहां सिंचाई और बाढ़ परियोजनाएं लटकी हुई हैं। बारिश के मौसम तक पूरी नहीं हो पाई हैं तमाम सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई विभाग की बाढ़ परियोजनाएं अभी तक अधूरी हैं। जून 2022 तक पूरी होने वाली परियोजनाएं अभी तक लंबित हैं।
कई जिलों में सिंचाई विभाग की परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। यूपी में निर्माणाधीन बाढ़ परियोजनाओं का बुरा हाल है। बस्ती जिले की कई परियोजनाएं अधूरी हैं। बस्ती की हरैया क्षेत्र में ज्यादातर बाढ़ परियोजनाएं अधूरी हैं। सैफाबाद तटबंध की महत्वपूर्ण परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ। बाराबंकी जिले में भी कई परियोजनाएं अधूरी हैं। घाघरा नदी की कटान से हो रहा परियोजनाओं को नुकसान। सीतापुर में भी कई परियोजनाएं अधूरी हैं। करोड़ों की लागत की परियोजनाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं इंजीनियर। विभाग को गुमराह कर रहे हैं जिलों के अधिशासी अभियंता। बस्ती जिले में आधा दर्जन से ज्यादा अरबों रुपयों की परियोजनाएं पूरी बताती गई। आगरा में यमुना नदी के दाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य परियोजना अधूरी है। 2,88,00,000 में पूरी होनी थी परियोजना। गोंडा में घाघरा नदी स्थित एल्गिन ब्रिज तटबंध निर्माण की परियोजना अधूरी है। 12,48,00,000 की लागत से पूरी होनी थी परियोजना। गोरखपुर और महाराजगंज में भी परियोजनाओं को पूरी बताकर इतिश्री की गई। कुशीनगर की कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कौन कौन अधिकारी बाढ़ रोकने से संबंधित किस किस योजनाओं को देख रहे हैं। बस्ती में दिनेश कुमार के नेतृत्व में दर्जन भर परियोजनाएं संचालित हैं। पीलीभीत अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार देख रहे हैं परियोजनाएं। लखीमपुर खीरी में अधिशासी अभियंता राजीव कुमार तैनात हैं। सीतापुर में विशाल पुरवार की देखरेख में परियोजनाएं चल रही हैं। बाढ़ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई तबादले नहीं हुए। बाढ़ परियोजनाओं के चलते अधिशासी अभियंताओं के तबादले रोके गए थे। लंबे समय से तैनात अफसरों के बावजूद परियोजनाएं अधूरी हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गोरखपुर से हरेंद्र, कुशीनगर से डीके यादव, लखीमपुर से अवध, गोंडा से कादिर के साथ ईश्वर चंद्र पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह योगी सरकार की चुस्ती को सिस्टम पूरी तरह से नाकाम करने पर तुला है। और आखिर अधिकारी कब समझेंगे, कब बाढ़ पीड़ितों के दर्द की तासीर को अनुभव कर पाएंगे। जाहिर है योगी सरकार बेहद सख्त है और काम को लेकर लापरवाही अनदेखी करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।